हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। देखिए दोस्तों, बहुत तेज़ गर्मी है, ये मेरे गुलाब पर फूल आ रहे हैं, लेकिन फूल बहुत बुरी तरह जल जाते हैं। लेकिन जल्दी ही राहत पड़ने वाली है, बरसात आने वाली है और गर्मी कम हो जाएगी, पानी की कोई कमी नहीं रहेगी प्लांटों में और इस तब पौधे जलने भी बंद हो जाएंगे। लेकिन बरसात के साथ एक समस्या और आती है, प्लांटों में पानी की दिक्कत तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन कीट पतंगे कीड़े बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं जो कि प्लांटों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, हम बरसात का आने से पहले ही प्रबंध करेंगे, उसके लिए हम अपने प्लांटों में देंगे ये ज़्यादातर जो महिलाएँ देख रही होंगी चैनल को, वो पहचान गई होंगी ये क्या चीज़ है। ये है दालचीनी, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कीड़ों को भगाने के लिए। तो बरसात आने से पहले ही आप अपने प्लांटों में इसे देना स्टार्ट कर दें, ताकि बरसात के समय जब कीट पतंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो वो आपके प्लांटों को नुकसान ना पहुंचा पाए और इसकी खुशबू की वजह से आपके प्लांटों से दूर रहें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे प्रयोग कैसे करना है। ये साबुत दालचीनी हम इसे प्रयोग नहीं करेंगे, हम पाउडर में यूज़ करेंगे। इसका पाउडर आपको मार्केट में मिल जाता है, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह का इसका पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये पिसा हुआ होता है। हम इस पाउडर को लेंगे और बरसात आने से लगभग एक महीना पहले हम ये प्लांटों में देना शुरू कर देंगे। आधा चम्मच पाउडर लेंगे हम, आधा टेबल स्पून पाउडर लेंगे और इसे अच्छे से प्लांट में डाल देंगे। और इसके बाद इसे हम दे देंगे थोड़ा पानी। रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। तो ये काम करें आप पानी देने के बाद। आप देख रहे हैं मैंने अपने प्लांटों में भी पानी दिया था लगभग आधा घंटा पहले और अब पानी सूख चुका है। उसके बाद मैंने ये काम किया, इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी दूंगा ताकि ये इसमें अच्छे से मिक्स होकर अंदर सॉइल तक चला जाए और इसे प्लांट भी सोख लेंगे, थोड़ा इसकी एक तासीर प्लांटों में भी आ जाएगी। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कीटों को बिल्कुल पसंद नहीं, चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ये पौधों को कुछ नहीं कहती। इसमें बहुत अच्छे एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और ये पौधों की बहुत सारी बीमारियों को भी दूर कर देता है। तो इसमें यही फ़ायदा रहेगा कि आप अगर महीना भर पहले इसे स्टार्ट कर देंगे तो बरसात में जो कीट पतंगों की संख्या बढ़ती है उससे आपके प्लांटों को नुकसान नहीं होगा। देखिए, ये जज्ब भी हो गया है मिट्टी में और कल जब मैं पानी दूंगा तो ये पूरी तरह डिजोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।